Hello students, I am Vishal Chaudhary and hope you all are safe at your homes. As you already covered some topics from your English book, so today we will cover a poem named My Nose by Gabriel Liberman, and this is chapter number 8. Student, before starting this poem, I want to summarize this. So first of all, I will tell you about the summary of this poem and then we will see detailed analysis of this poem. So let's start our journey. My Nose is a poem on the author's abnormally large and bulbous nose, though he often finds it the subject of ridicule and jokes. He writes that it gives him a regal look and makes ladies notice. He is rather proud of his unusual asset, which he proudly claims makes tree lose their leaves when he sneezes. He has one last request, and that is when he dies, the casket maker should make a hole on the lid of the casket so that his nose can stick out and smell that flowers. चलिए अब students इसको हिंदी में थोड़ा discuss करते हैं summary को. My Nose, ये जो एक poem है, ये एक हास्य से भरी हुई एक सुंदर कविता है, और इस कविता में कवि की जो नाक है, कवि की जो nose है, वो अप्राकृतिक यानी abnormally है, थोड़ा unnatural है और काफ़ी बड़ी है. हालांकि अक्सर कवि को ऐसा लगता है कि उसकी nose एक हंसी मजाक का विषय है, और आगे कभी लिखते भी हैं कि उनकी नोज उन्हें एक शाही अंदाज भी देती है जो कि महिलाओं को पसंद है. अक्सर उनको अपनी इस अप्राकृतिक पूंजी जो उनकी एक अनयूजुअल सी एसेट है उस पर गर्व भी होता है, जिसको उन्होंने कविता में हमें दिखाया भी है कि जब वह छींकते हैं तो पेड़ों के पत्ते भी गिर जाते हैं, पेड़ उनके चारों ओर अपने पत्तों को गिरा देते हैं. यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल का यूज़ हुआ है. ये बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल है कि कोई व्यक्ति छींकेगा और किसी पेड़ के पत्ते गिर जाएंगे. तो जब किसी बात को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है, उसको प्रस्तुत किया जाता है, तो वहाँ पर हाइपरबोल, अतिशोक्ति, अलंकार, वी कैन से दैट देर इज़ अ हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ करती है. आगे कभी बताते हैं लास्ट स्टेंजा में, कभी अंत में एक विनती और करते हैं कि जब उनकी मौत हो जाए तो जो ताबूत बनाने वाले होते हैं वो उनसे कहते हैं कि वो उसके ताबूत में एक लिड जो होता है, ताबूत का ढक्कन जो होता है, उसमें एक होल बना दें जिससे कि उनकी नोज उस होल से होती हुई बाहर आ सके, और जो फ्लावर्स होते हैं किसी भी कब्र के चारों ओर या किसी भी कब्रिस्तान में, वो उन फ्लावर्स को स्मेल कर सके. तो थोड़ी सी इमोशनल भी है पोएम, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल वी कैन से दैट के जो पोएम है स्टूडेंट, ये आपकी ह्यूमर से, हास्य से भरी हुई है, और कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से इस कविता को प्रस्तुत किया है, पेश किया है. चलिए अब हम डिटेल एनालिसमेंट करते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं, जहाँ पर हम लाइन बाय लाइन पोएम को एक्सप्लेन करेंगे. तो चलिए स्टूडेंट पहली लाइन को रीड करते हैं. स्टूडेंट, सो रीड दिस पोएम इन विच द स्पीकर डिस्क्राइब हिज लार्ज नोज एंड द रिएक्शन ही गेट्स फ्रॉम अदर्स ऑन इट. डज ही फील अशेम्ड ऑफ हैविंग सच अ नोज? दिस इज अ बिग क्वेश्चन. चलिए लेट्स फाइंड आउट. तो पहली लाइन में, फर्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन में जो पोएट हैं वो क्या कहते हैं, आई नेवर चूज माई नोज टू बी. कभी कहते हैं कि जैसी मेरी नोज है उसको ऐसा बनाने के लिए मैंने कभी चुना ही नहीं. अ स्टेटमेंट ऑफ लॉन्गिविटी. वो कहते हैं कि मैं कभी नहीं चाहता था कि ये एक लंबाई की कहानी बने, कि ये इतनी लेंथी हो, मेरी नोज जो है, मेरी नाक है, वो इतनी बड़ी हो. लेकिन आगे वो ये भी कहते हैं कि इट्स ग्रैंडर लाइज विद इन इट्स साइज, कि जो मेरी नोज की जो इसकी भव्यता है वो इसके साइज में ही है, वो इसके आकार में ही है. एंड द वे इट लूम्स बिटवीन माई आइज, और साथ ही इसमें कि ये मेरी आँखों के बीच से भी दिखाई देती है,
और आगे वो कहते हैं एंड द वे इट लीड्स मी फ्रॉम मील टू मील, और साथ ही मेरी नोज़ की ये भी खासियत है कि ये मुझे भोजन की खाने की पहचान कराती है, मुझे एक खाने से दूसरे खाने की ओर को ले जाती है, दिस इज़ द स्पेशल क्वालिटी ऑफ माई नोज़। आगे वो कहते हैं कि सम वंडर, कुछ लोग आश्चर्य भी करते हैं इफ़ द बल्बस थिंग, कि ये जो बड़ी और गोल सी चीज़ है इज़ माइन, क्या ये मेरी है, एंड इज इट रियली रियल, क्या ये वास्तव में रियल है, हकीकत है। दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट सेकेंड स्टैंजा की ओर को चलते हैं। इसकी पहली लाइन है फ्रॉम माई चाइल्डहुड डेज, मेरे बचपन के दिनों से ही आई वोर इट, मैंने इसे धारण किया हुआ है, लाइक अ क्राउन, जैसे कि कोई ताज होता है, माई मॉम अडोर्ड इट, मेरी जो मॉम है उनको ये बहुत ही पसंद है और वो मुझे इस नोज के साथ आदर से देखती हैं। माई फादर हु हैड अ बिग वन टू, मेरे पिताजी जिनके पास भी ऐसी ही एक बड़ी नोज थी, सेड, उन्होंने कहा सन बेटा इट इज़ समथिंग टू गेट यूज टू, ये कुछ ऐसा है जिसकी तुम्हें आदत डालनी है, एंड इफ चिल्ड्रन टॉन्ट यू, और यदि बच्चे तुम्हारे जो साथ के तुम्हारे जैसे बच्चे होते हैं वो तुम पर टॉन्ट कसते हैं, वो तुम पर तानाकशी करते हैं, सो डोंट फॉरगेट, तो भूलना मत, देयर आर बिगर थिंग्स यू विल रिग्रेट, दुनिया में इससे भी बड़ी और कई चीज़ें हैं जिन पर पछताया जा सकता है। एंड योर नोज, और जो तुम्हारी नोज है, नाक है, विल ग्रो मच बिगर येट, वो अभी और भी बड़ी होगी। ये बात उनके स्टूडेंट्स फादर ने हमारे पोएट को कवि को कही थी। और आगे वो कहते हैं थर्ड स्टैंजा की लाइन में, फर्स्ट लाइन में, सो विग इन फैक्ट दैट, उन्होंने कभी हमें बताते हैं कि उनके फादर ने क्या कहा था कि वो इतनी बड़ी होगी वास्तव में कि व्हेन आई स्नीज, जब मैं छींकता हूँ द ट्रीज अराउंड मी लूज दियर लीव्स, तो जो मेरे चारों ओर पेड़ होते हैं वो अपने पत्तों को गिरा देते हैं, उनकी पत्तियाँ गिर जाती हैं। इट प्रिसीड्स, और जो मेरी नोज़ है, इट हियर रेफर टू द नोज़, इट प्रिसीड्स मी इन टू एनी रूम, और जो मेरी नोज़ है वो मुझसे पहले जब मैं किसी रूम में जाता हूँ तो वो उस रूम में एंटर कर जाती है, यानी मेरी नोज़ मुझे किसी रूम की ओर को भी ले जाती है। आगे वो कहते हैं बट इट हैज़ ऑलवेज मेड द लेडीज सून, लेकिन मेरी जो नोज है वो हमेशा महिलाओं को प्रभावित करती है। और आगे कभी कहते हैं पीपल ऑफन से टू आई, लोग अक्सर मुझे कहते हैं, मीन्स आई हियर रेफर टू द पोएट, वो लोग अक्सर पोएट को कहते हैं कि स्मॉलर नोजेस वी हैव सीन, कि हमने छोटी छोटी नोजेस भी देखी हैं, छोटी छोटी नोजेस मतलब कि हमने पोएट की जो यहाँ पर नोज़ है वो इतनी बड़ी है कि लोगों ने उनकी नोज से भी छोटी नोज देखी हैं। जैसे वो कहते हैं कि वो छोटी नोज किन की थी, जैसे किसी एलिफेंट एंड राइनोसोरस की, किसी हाथी की या किसी गेंडे की। अब फोर्थ पैसेज है, यहाँ पर फर्स्ट लाइन है कि मी एंड माई नोज आर स्ट्रक टुगेदर, मैं और मेरी नाक, हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम दोनों ही एक दूसरे का हिस्सा हैं। वेदर फॉर वर्स और मे बी बेटर, चाहे ये अच्छे के लिए हो या फिर बुरे के लिए, लेकिन हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इट गिव्स माई फेस, इट हियर रेफर टू द नोज़ स्टूडेंट्स, इट गिव्स माई फेस अ रिगल लुक, और मेरी जो नोज़ है वो मेरे चेहरे को एक शाही अंदाज देती है। एंड हेल्प्स, और मदद करती है, टर्न पेजेस इन दिस बुक, किताब में पन्ने पलटने के लिए, पेज को टर्न करने के लिए। एंड व्हेन दे पुट मी इन अ बास्केट, और अब यहाँ पर कभी थोड़ा इमोशनली भी अटैच होकर के बोलते हैं कि एंड व्हेन दे, और जब वो मुझे पुट मी इन अ बास्केट, बास्केट में रखेंगे, मुझे मेरी कब्र तक लेकर जाएंगे, मींस कि जब मैं मर जाऊँगा, व्हेन आई डिपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा, टू टेल द वन, तो उससे कह देना दैट बिल्ड्स माई कैस्केट, जो मेरा ताबूत बनाएगा, क्या कह देना, टू कट अ होल ऑन टॉप सो आई, के वो एक कट, टू कट अ होल ऑन टॉप सो, के वो ताबूत का जो लिड होता है, जो ताबूत का ढक्कन होता है, उसमें एक कट लगा दे,
उसमें एक छेद बना दे, उसमें एक होल बना दे। क्यों? आई कैन स्मेल द फ्लावर, जिससे होकर के मेरी नोज़ बाहर आ जाए और जो कब्रिस्तान में फ्लावर्स होते हैं मैं उनको स्मेल कर सकूं जब मैं मर जाऊंगा, मींस व्हेन आई डाई, जब मैं मर जाऊं। तो दिस वाज द पोएम स्टूडेंट, आई होप कि ये पोएम आपको पसंद आई होगी। एंड रिलेटेड टू दिस पोएम, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी कमेंट, एनी सजेशन इन योर माइंड, सो यू कैन मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स और इवन यू कैन मैसेज मी पर्सनली थ्रू द व्हाट्सएप। सो स्टूडेंट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।